जय श्री राम। मेरे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं आपका अपना युवराज ठाकुर। भाइयों आज मैं आया हूँ अपने गांव में और मेरे साथ है मेरा भांजा। क्या नाम है तेरा? पूरा तेज बोलते हैं। क्या नाम है? और ये रही मेरी बड़ी भांजी राधिका और उसके साथ हमारी कंटो जो कि मेरी छोटी बहन की लड़की है और ये मेरी भतीजी। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने गाँव में। हमने एक न्यू एनिमल लिया है बट वो डॉग नहीं है, ठीक है? पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो वो मैं दिखाऊंगा। और मेरी मम्मी मटर छील रही है, बैठी बैठी तैयारी कर रही है खाने की। और आज हमारी पूरी फैमिली आई हुई है। ये मेरी बट्टू है, भतीजी मेरी सबसे बड़ी भतीजी है, ठीक है? आज मैं दिखाऊंगा आपको सारी फैमिली और जब मैंने एक न्यू एनिमल लिया है वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है? पहले चाय पीते हैं उसके बाद करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। ओके तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको अपना घर का लोकेशन। देखो ये मेरे पापा जी ने रखे हैं बिल्कुल हरे हरे पेड़ पीले शानदार करके, ठीक है? और ये है हमारा घर, थोड़ा सा अभी कच्चा है, बना नहीं है, ठीक है? वहाँ एंड तक है हमारा घर, ठीक है? अभी आपको छत भी दिखाऊंगा अपने घर की। और अपनी छत पे ना, मेरी छत पे ना एक भाई बहुत तगड़ा सीन हुआ पड़ा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है? और ये है हमारा मैन गेट, देखो, ठीक है? ये मैन गेट है हमारा। जब इस पर हम प्लास्टर करा देंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ये प्लास्टर करके पेंट वेंट हो जाएगा जब, बहुत अच्छा लगेगा ये। और ये लो चलते हैं छत के ऊपर, ये अपने जीना हो गया, ठीक है दोस्तों? अब मैं दिखाता हूँ आपको सब समझ चीज। तो भाइयों मेरे गांव में इस वक्त बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है? देखो ये हमारा पेड़ हो गया एक, और ये हो गया हमारी छत। और हमारी छत पर हमारी मम्मी जी आई थी तो उन्होंने गोबर देखा तो उन्होंने उपले पा दिए हैं। गाँव में ज़्यादातर आग जलाने के लिए उपलों का प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। और ये लकड़ियाँ, और मैं आपको दिखा दूँ सबसे खतरनाक चीज़, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हमारे घर में क्या है। देखो ये जा रही है लाइन, आप देख सकते हैं 11,000 की लाइन जा रही है हमारे यहाँ से, ठीक है? और तुम देखो मेरी छत से कितना सा दूर है, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा दूर है। अगर किसी बच्चे ने पकड़ लिया ना इस लाइन को तो माँ कसम वो एकदम ही उसका कितने क्या होगा ये भी मैं बोल सकता। और थोड़े दिन पहले मेरे भांजे ने पकड़ लिया था ये, पर उनकी किस्मत थी कि उस टाइम ही लाइट भग गई थी तो मेरा भांजा सिर्फ हाथ और पैर जल गए थे। और ये 11,000 की लाइन है इसलिए हम इससे बहुत दूर रहते हैं। और मैंने अपनी भांजी भतीजे सबको बोल रखा है कि कोई भी छत पे नहीं जाएगा, तुम कोई भी छत पर नहीं जाते। और इसलिए मेरे भाई ने यहाँ पर लकड़ी डाल रखी है, थोड़े दिन पहले हमने यहाँ पर डाल रखे थे कांटे जो कोई बच्चा आगे ना जाए, और इसलिए हम कोई आगे नहीं जाता। तो दोस्तों ये है मेरे घर के ऊपर जो छत है वहाँ पर इतना तगड़ा सीन हुआ पड़ा है कि सब लोग छत मारने डरते, सिर्फ बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे मेरा भाई हो गया या मैं हो गया, मम्मी होगी, पापा हो गए, बड़े बड़े लोग आते हैं, कोई छोटा बच्चा नहीं आता ऊपर कि गलती से वो तार को ना पकड़ ले तो और वो जल जाए, ठीक है? 11,000 की लाइन जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे। दोस्तों तुम ये देख सकते हो यार ऊपर छत से कितना अच्छा व्यू आ रहा है मेरी घर से, देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है कितने मेरे प्यारे घर गाँव का। और मैं अपने गाँव में दिखाता हूँ आपको, अगर आप यहाँ से बिल्कुल सीधा देखेंगे ना, बिल्कुल सीधा एक घर ये रहा एक घर वो रहा एक घर वो रहा, तो सारे घर हमारे चाचा ताऊ सारे चाचा ताऊ के घर हमारे है ना। और ये जो बगल में हमारा घर है ना ये ग्रीन से घर है, ये भी हमारे चाचा के लगता है घर। तो पूरे गांव में हमारे चाचा ताऊ के घर हैं, रिश्तेदार हैं हमारे, और बहुत ही अच्छा प्यारा व्यू आ रहा है, ठीक है दोस्तों? और हमारे घर में सबसे ऊँचा पेड़ ये है, ये हमारे पापा ने लगाया है। अभी मैं मिलाता हूँ अपने पापा से आपको, सबसे खतरनाक इंसान से। तो दोस्तों मैं आपको मिलाता हूँ अपने सबसे छोटे चाचा जी से जो कि ये बैठे। चाचा जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? नाम बताओ हमारी पब्लिक को, नाम बता दो अपना। हरपाल सिंह। और हमारे दादाजी का नाम क्या था? मलखान सिंह। ओके। और उनके भी पिताजी का नाम अवानी सिंह। देखो तो ये हमारे सबसे सबसे छोटे चाचा मेरे को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? और मेरे 6 चाचा ताऊ हैं जिसमें से हमारे सबसे बड़े ताऊ और एक छोटे चाचा जिनकी डेथ हो गई है। अभी हमारे सबसे छोटे चाचा बच्चे हैं और मेरे पापा हैं, और एक बार हमारे चाचा उनसे मिलाऊंगा आपको। तो देख रहे हो बिल्कुल गब्बर वाले लोग करके रख रहते हैं यहाँ पे। और ये इनका एक छोटा सा रूम है हमारे पापा जी इनका जो कि बैठक लगाते हैं यहाँ पे। ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। देखो दोस्तों मेरे पापा ने हमारे घर के एक छोटे से एक कमरा छटा हुआ था ना वहाँ पे ये पेड़ लगा रखे हैं, और इसके अंदर लगा रखी थी मेथी पालक मूली और देखो बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं जिनसे छोटी छोटी सब्जी बन जाती है, ठीक है? और एक इस तरह बना रखा था,
और ये है मेरे बड़े वाले जीजा की बाइक जिनका नाम है राजू भाटी। ठीक है, ये उन्होंने बाइक लिया, अभी भी निकाली है, परचेस किए न्यू। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास जो दो साइकिल है ना उन सब की बाप ये साइकिल। और जो जो लोग एटलस को पसंद करते हैं वो लाइक करें वीडियो में और कमेंट में एटलस ज़रूर डालें, क्योंकि सबसे मस्त सबसे टॉप साइकिल है एटलस। ओके तो दोस्तों, मैं जिस एनिमल की बात कर रहा था ना, जो एनिमल मेरे बड़े भाई ने परचेस किया है, आपको वो वाला एनिमल दिखाता हूँ और बहुत ही प्यारा है, सबसे अच्छा। ठीक है, ये जा रहे हमारे पिताश्री मिस्टर कृपाल सिंह। ओके दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको वो वाला एनिमल जो मेरे बड़े भाई ने परचेस किया है। पहले देखिए आप खेत, ये लगी हुई है सरसों जिससे तेल निकलता है। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ आपको एनिमल, देखिए ये है बफेलो। ठीक है, जिसका नाम मैंने रखा है धन्नो, मेरे बड़े भाई ने कुछ नाम नहीं रखा, उसका कुछ नाम नहीं तर इनको ही पाला जाता है। ये दूध भी देते हैं हमारी भैंस, बहुत ही प्यारी भैंस है और मारती है। देखो मैं आपको हाथ लगा दिखा रहा हूँ, पता क्या कोई कोई सी भैंस ऐसी होती है जो इंसान को बहुत मारती है, मतलब किल्सती है उनसे। और ये हमारी इस भैंस का बछड़ा है, ये मेल है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ये पल के बहुत बड़े बड़े सांड बनते हैं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सुल्तान नाम का एक भैंसा, बहुत ही शानदार है। ठीक है, उनके जैसे बनता है, बट ये मेरा भाई इसे पालेगा या नहीं पालेगा ये नहीं पता मुझे, पर मैं दिखाता हूँ आपको भैंस अपनी धन्नो, ये बहुत ही प्यारी भैंस है देखिए। और इनको ना हम पेडिग्री दे सकते हैं, इनको देते हैं हम भूस के साथ हरी हरी घास, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देते हैं इनको भी खाने के लिए, आटा भूस इनको सानी लगाते हैं। ठीक है, और ये हमारी भैंस है जो कि मेरे बड़े भाई ने परचेस की है आई थिंक 70,000 रुपये में, और इसके नीचे जो दूध है वो सुबह शाम है टोटल 10 किलो, 5 किलो सुबह देती है, 5 किलो शाम को। और ये हमारी बहुत प्यारी धन्नो है, अगर आपको हमारी धन्नो अच्छी लगी हो, आज को आप लोगों को हमारी धन्नो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर। अरे कहना क्या चाहते हो दोस्तों, अगर आपको मेरे बड़े भाई के एनिमल अच्छा लगा हो, भैंस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे को गाँव में आके बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि गांव में हम इसलिए आते हैं, मेरी ना एक छोटी बहन है चाचा गढ़ की, जब मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया है उनकी शादी थी, तो उनकी शादी हो चुकी है, उसके अगले दिन मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि शादी वाले टाइम पर यार वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बहन की शादी में तो सारा काम करना पड़ गया था। ओके, और आगे ना अलीगंज में मेरे जो गाँव है उसका जो है एटा अलीगंज है, ठीक है, वहीं आसपास में एक मेरा दोस्त है जो ओके दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको अपने दूसरे चाचा जी के घर, जिनका नाम है शिवपाल आर्या, वो बहुत बड़े बड़े शो करते हैं जिसमें वो भागवत करते हैं, कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। ठीक है, उनसे मिलाता हूँ अब आपको। पहले देखिए आप उनका घर, आपको उनके घर में स्टार्टिंग में ओम लिखा नज़र आ रहा होगा, और मेरी दादी जी बैठी हुई है यहाँ पे, आपको दादी से मिलाते हैं और अपने चाचा से मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे भाइयों ये मेरी ग्रैंड मदर है, दादी जी है मेरी, जी नमस्ते। ठीक है, तो अब जी तुम्हारी कितनी उम्र हो गई होगी? 95 साल की हमारी दादी हो चुकी हैं। ठीक है, नहीं, मानता। ओके दोस्तों, तो देखिए ये है मेरे चाचा जी, चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। ओके, तो ये मेरे चाचा हैं जो कि हमारे कौन से नंबर, चौथे नंबर के चाचा हैं। चाचा अपना नाम बता दो पहले, अपना नाम बता दो पब्लिक को मेरी। मेरा नाम शिवपाल सिंह आर्य, भजन उपदेशक। ओके, तो हमारे चाचा ना बहुत अच्छे अच्छे भजन करते हैं और आर्य समाज से हैं ये। चाचा तुम बता दो कोई अच्छे सा मंत्र सुना दो, पहले गायत्री मंत्र सुना दो पब्लिक को हमारी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो दोस्तों हमारे चाचा हवन करते हैं रेगुलर, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे भजन करते हैं, और इसी के साथ इनकी एक बहन है जिनका नाम है सावित्री, और वो मेरी बुआ लगती हैं दूसरे नंबर की। ठीक है, पहले नंबर की जो हमारी बुआ थी उनको कैंसर हो गया था, चेस्ट कैंसर, तो वो उनकी डेथ हो गई है। चलो मैं बुलाता हूँ अपनी बुआ से। ठीक है चाचा, अपना नंबर बताओ बोला पब्लिक को। मेरा अपना नंबर, हाँ, 94-11-23-57-23। तो दोस्तों अगर आप मेरे चाचा से नहीं जाने हो ना, तो आप यूट्यूब पे शिवपाल आर्या भजन डाल सकते हो, इनकी सारी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी, और नंबर मैंने आपको दे दिया, अगर आपको किसी को भी कीर्तन भजन या फिर किसी प्रकार का हवन कराना हो तो हमारे चाचा संपर्क कर सकते हैं। अब मिलाता हूँ साथ ही साथ में अपनी सबसे प्यारी बुआ से, ठीक है, जो जो भी यही काम करती है। ठीक है,
तो ये रही हमारी बुआ जी। बुआ नमस्ते, कैसी हो तुम? अच्छे। तभी ठीक है? हाँ। ठीक है, पीछे इनकी मम्मी जी बैठी हैं और ये हमारी बुआ जी हैं। बुआ अपना नाम बता दो पहले। सावित्री आर्या। ओके, तो आप क्या कार्य करते हो, आप बता दो। मैं भजन उपदेशक हूँ, वेद प्रचार करती हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप इनको नहीं पहचाने हो ना तो आप यूट्यूब पर डालिए भजन उपदेशक। भजन उपदेशक हूँ मैं, पूरे भारत में बोलती हूँ। ठीक है, तो आप यूट्यूब पर डाल के इनका भी सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गीत, मतलब हम लोगों को मोटिवेशन करने का, हमारे हिंदू धर्म को मोटिवेशन करने का, हिंदू धर्म के सारे शास्त्रों का ज्ञान हमारी बुआ जी को है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। क्या है पहला वेद का पहला मंत्र? ओम स्वस्थ पंथा मन चरम सूर्य चंद्रमसानता जानता संगमे मही ओम विश्वान देव सवितर दुर्तान परास वेद भद्रम तन्याशो। आठ मंत्र हम बोलते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कराते हैं, वेद का प्रचार करते हैं, भजन गाते हैं। अच्छी। ओके, तो बुआ अभी ना मैंने अपने चाचा से मिलाया था ना, उनको नेपाल चाचा से, तो उन्होंने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी। तो आप पहले ना आज हमारे पूरे खानदान के जितने भी, मतलब आपके जो नौ बहन भाई थे, शुरू से लेके जो सबसे बड़े हैं और सबसे छोटे, उन सबका नाम बताना। शुरू से बताओ नाम। सबसे बड़े हमारी बहन थी, क्या नाम था उनका? रामा देवी। रामा देवी। हाँ। दूसरा भाई हमारा भजन उपदेशक थे आचार्य रघुनाथ देव शास्त्री, जो कि स्वर्गवासी हो चुके हैं। स्वर्गवासी, होने के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। दूसरा भाई हमारा राम प्रकाश जी थे, वो भी दिल्ली होमगार्ड में थे, उनकी भी डेथ हो गई, वो भी स्वर्गवासी हो चुके हैं। नंबर की मैं हूँ, मैं आपके सामने बैठ के बता, मतलब कि ये चौथे नंबर के हो तुम। हाँ। और उसके बाद हमारा भाई कृपाल सिंह, कृपाल सिंह डाकू, जो कि मेरे पिताजी हैं। पिताजी मैंने आपको मिलाया था। हाँ, मेरे ऊपर मेरे ऊपर से। उसके बाद हमारे भाई शिवपाल आ रही है भजन, जो कि अंदर हवेली के अंदर बैठे हुए हैं। हाँ, भजन शिवपाल जी, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक और भाई था, इसका नाम था ब्रजपाल। हाँ, ऐसे ही कोरोना में खत्म हो गए थे, वो भी स्वर्गवासी हो चुके हैं हमारे चाचा जी। आपसे बात हुई हुई नरपाल जी, छोटा भाई है। और हाँ, मैं उनकी सगी बहन है, ये भी मेरा सगा भाई, ये मेरा सगा भतीजा है, कृपाल है, उनका बेटा है, ये भी दिल्ली रहता है, मैं भी दिल्ली रहती हूँ। और उनसे छोटी हमारी एक गीता बुआ है, गीता है, जो कि इस बार हमारे साथ जुड़ी नहीं है क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई थी तो वो आ नहीं पाए थे, पर उनके हस्बैंड आए थे पर वो चले गए हैं। मैंने बताया ना कि शादी के टाइम पे हम पे इतना सारा लोड पड़ गया था कि हम लोग, मैंने वीडियो बनाना ही नहीं पाया, वरना मैं आपको अपनी छोटी बहन को भी दिखाता कि कितनी प्यारी मेरी बहन लग रही थी। हाँ, पर मैं इस वीडियो में उसका एक छोटा सा फोटो डालूंगा, वो आप देखना, ठीक है। तो ये हमारी बुआ जी है। अगर किसी को भी किसी प्रकार का हवन कीर्तन या किसी प्रकार की ज्ञान चाहिए हो तो हमारी बुआ और हमारे चाचा संपर्क कर सकते हैं। बुआ अपना नंबर बता दो आप। हमारा नंबर दो है, पहला तो जो है 99-99-25-06-38। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरे सभी फैमिली मेम्बर से चले गए हैं और मेरी जो मेरे भाई ने भैंस को लिया है वो भी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको सब चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर, एंड में मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपका अपना युवराज ठाकुर लाता रहूँगा शानदार शानदार ब्लॉग आप लोगों के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।